वैसे मैं यहाँ पे था तो अभी साई खेड़ा में, यहाँ पे ये हमें बताएंगे कि दादाजी के कैसे यहाँ पे लीलाएं हुई और क्या ओके ये हुआ। तो बढ़िया घाट प्रकट हुए थे जी तो वहाँ पर वो उनको मट्टी यानी दीमक लगी हुई थी, वो तो आँखें चमक रही थी उनकी। अच्छा तो हमारे वहाँ फिर से बढ़िया घाट के वालों ने माल गुजार ने देखा और उनको सब मट्टी झड़ा कर उनको निकाला। इसके बाद वहाँ रहे कुछ दिन, वहाँ धुनी रमाई। इसके बाद में उनको हमारे आजे दादा दीनालाल माल गुजार जी उनको ले आ तूमड़ा। तो 6 महीने हमारे घर पर रुके जी, वहाँ पर धुनी रमाई। तो वहाँ पर अभी धुनी है अच्छा, और मंदिर भी छोटा। अच्छा उसके बाद साइंकड़ा 26 साल रुके हैं। अच्छा साइंकड़ा से वो अपने तो मतलब वो कहाँ से आए ये अभी तक नहीं, मतलब आप प्रकट हुए जी, प्रकट हुए। हाँ जैसे हम वो साई बाबा का जो स्टोरी में देखते हैं वैसे ही कुछ। हाँ हाँ ऐसे वो तो प्रकट हुए कहाँ से। इसके बाद वो होशंगाबाद भी गए हैं, होशंगाबाद भी रुके हैं, सुहागपुर उत्तरगढ़ भय, नरसिंहपुर में झिरिया के यहाँ मंदिर है, वहाँ भी सब अच्छा। जगह जहाँ जहाँ वो प्रकट हुए हैं, मतलब हर जगह पे अलग अलग जगह पे दर्शन अलग अलग दिए। तो अभी जहाँ पे वो जो पेड़ से जहाँ पे है तो वो अभी है वही है, बहुत बड़ा भारी है। अच्छा तो वो जहाँ पे मंदिर बना है वही पे है क्या, वो क्या अलग जगह पे नहीं? अगर वो मंदिर तो तुमड़ा में बना है वहाँ नहीं है। अच्छा नर्मदा किनारे है वो बिल्कुल झाड़। अच्छा जहाँ पे अभी नर्मदा में जहाँ पे जाएंगे वहीं पर नर्मदा किनारे पर है। अच्छा तो उसके पत्ते अभी इतने साफ स्वच्छ है बिल्कुल हर एक कच्छ, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। अच्छा तो वहाँ पे अभी कुछ बना के रखा है क्या? वहाँ पर है थोड़ा सा चबूतरा। अच्छा। और भी कोई संत वगैरह रहते हैं, इस समय हम नर्मदा परिक्रमा में है, एक संत जी वो वहाँ रुके हैं। अच्छा साथ कल तक वहाँ रुकेंगे। इसके नर्मदा परिक्रमा यहाँ पर उन्होंने नर्मदा पुराण कराया, इसके बाद तुमड़ा में अच्छा। एक वो कराया था भागवत। अच्छा इसके बाद वहाँ चले गए तो वहाँ पर हैं। अच्छा अभी वहाँ रुकेंगे, इसके बाद वो निकल जाएंगे आगे। तो फिर यहाँ पे जब दादाजी महाराज जो थे यहाँ पे जब रहे थे तो फिर यहाँ से मतलब कैसे उन्होंने लोगों को मतलब कैसे कैसे लीलाई की, क्या क्या बता सकते सब आप? चमत्कार बताए हुए उन्होंने जी जी। हाँ चमत्कार बताया सब दादाजी ने, मतलब एक आधा कोई ऐसा उदाहरण वगैरह। हाँ बॉम्बे में महात्मा गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने बोला देख मोला देख जे खम्मा में बस सुन क्या पागल क्या बोल रहे हैं। तो खम्मा में पूरी बात उनको समझ में बताया कि महात्मा जी बोल रहे हैं, महात्मा गांधी। अच्छा ऐसा उन्होंने बहुत ही चमत्कार किए यहाँ पर। अच्छा एक आपने कहीं के सेठ जी आए थे उनके घर आग ही लग गई तो उनके जत जल्दी से नदी से जल लेके आ तो रात ही को भगाया उसको, तो कहीं धुनी में डाल धुनी में डलवा दिया। अच्छा पर उसको कि तू इस समय अभी अपने घर जा तो उसको रात ही को भगा दिया। वो कहे इतनी रात को कहाँ जाऊँ, कोई साधन नहीं है। मुझे गया घर जाके देखा उसने कि सबके घर जल गए से उसका घर बच गया था। ऐसे चमत्कार दादाजी ने किए यहाँ पर। अच्छा ये साई खेड़ा में ही? हाँ साई खेड़े। तो फिर यहाँ से कैसे क्या गए फिर वो बाद में? वो तो असल में रुकते तो मैंने यहाँ के लोगों ने कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, और दूसरा अंग्रेज लोग हते उस समय जमाना था अंग्रेजों का, इस कारण वो फिर उन्हें छोड़ के सब जगह घूमते हुए निकल गए। सिर्फ खंडवा 3 दिन रुके और वहाँ जाके समाधि ले ली। जहाँ जहाँ रुके वहाँ वहाँ सब जगह मंदिर बने हैं। अच्छा खंडवा में सिर्फ 3 ही दिन रुके? 3 दिन रुके बस, समाधि वहाँ जाके ले ली। तो फिर नहीं यहाँ से निकलने का क्या कारण था ऐसे कि भी निकलने यहां से? का भैया वो तो उनकी लीला है। हाँ उनकी लीला उसको कुछ नहीं बता सकते हम। फिर वो नर्मदा परिक्रमा की कैसी क्या कहानी है? नर्मदा परिक्रमा गौरी शंकर महाराज के साथ जमात में थे। अच्छा तो गौरी शंकर 12 परिक्रमा हो गई थी, वो 3 साल 3 महीने वो कितने वो जी। तो गौरी शंकर महाराज बोले कि मैंने इतने साल हो गए मेरे को दर्शन नहीं हो रहे भगवान के। तो इन्होंने जे गौरी शंकर महाराज एक दिन रात को चले नर्मदा जी में कि अब तो मैं यहाँ पर शांत हो जाऊँगा। तो नर्मदा जी बच्ची ने कहा नर्मदा जी कि कहाँ जा रहा है कहीं मरने के लिए, क्यों मैं जितनी साल हो गए मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, कहीं भगवान तो तेरे पास खुद सेवा कर रहे तेरी। अच्छा दादाजी तो कहीं वो तो है भोलेनाथ जी जी, कहीं कहाँ कहीं वो तुम्हारे बर्तन मांज रहे जे कर रहे वो जी, तो जी, वो नहीं कही है जे हो ही नहीं सके। कहीं चलो अच्छा मैं चलती हूँ। तो दादाजी के पास भोलेनाथ के पास ले गई दादाजी के पास, भोलेनाथ को अवतार है उनको तो दादाजी का जी 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 जी। तो फिर वो उन्होंने फिर
लीला बताई तो इसके बाद में गौरी शंकर यहाँ अपने होशंगाबाद के पास उनकी समाधि है गौरी शंकर की। अच्छा, वो क्या नाम है, अच्छे नाम तो याद नहीं आ रहा उसका, समाधि बनी वहाँ पर भी, मंदिर है छोटा सा। हाँ 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 हाँ, मतलब ये दादाजी महाराज उनकी जमात में थे, मतलब एज हाँ। जैसे कि दादाजी महाराज उनको गुरु ही मानते थे। हाँ। गौरी शंकर जी महाराज हाँ। दादाजी तो उनको गुरु मानते थे, गुरु मानते थे। हाँ। तो फिर उसमें फिर उन्होंने जब भंडारा वगैरह जो भंडारा तब पता चला भंडारा इसलिए कि नंदा जी से जल लिया रेत लिया सब बना, फिर सबको कहे कि कहाँ से तुम्हारा बन रहा है, पुलिस वाली पहुँचे इतना कैसा होता है चमत्कार, उन्होंने फिर पता है कि देख लो जी बुलवाए उन्हें सामने। अच्छा। रेत बुलवाई अच्छा। नंदा जल बुलवा लिया और बना दी कढ़ाई हलवा जी हलवा बन गया, ऐसा चमत्कार बताया उन्होंने। फिर छोटे दादाजी महाराज कैसे क्या मिले फिर उनको, छोटे दादाजी महाराज वहाँ से आए थे उनके पास ही, वो कैसे क्या मिले फिर उनसे। जय दादाजी की। और अरे हम कल शाम को आ गए। छोटे दादाजी महाराज की कैसे क्या मुलाकात हुई, छोटे दादाजी महाराज की मुलाकात हम नहीं बता सकते। अच्छा, हमने जानकारी इतनी नहीं उनकी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नहीं फिर वो उन मतलब वो बड़े दादाजी महाराज की सेवा करते हाँ, थे, सेवा के साथ में रहे वो जी। इसके बाद में जो हमारे बड़े अन्नदाता जी वो भी उनके दादाजी की सेवा यहाँ पर आए। अच्छा। यहाँ से उनको साथ में ले गए छोटे दादाजी को, हरिहर भोले भगवान को जी, बड़े दादाजी साथ ले गए। अच्छा, यहीं से मतलब मतलब उनकी सेवा हम हो गए। उसके बाद जो उनका राजपाट था सब उनने मतलब जिसको भी बुक करके उस दादाजी की सेवा खनवा में समाधि उनकी जी, बड़े दादाजी छोटे दादाजी मतलब छोटे दादाजी महाराज भी पहले मतलब अच्छे यही से साथ में गए, उनकी सेवा करते हुए उनको जो भी मिला दादाजी साथ लग गए जी 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 जी। अरे अपना होशंगाबाद में कौन सा घाट है वो, कोकसर में गौरी शंकर की समाधि, गौरी शंकर जी महाराज जी की शायद वो है समाधि है वहाँ। हाँ। कोकसर में एक समाधि ओंकारेश्वर में है, ओंकारेश्वर आपको ओंकारेश्वर में भी मालूम पड़ेगा, नहीं तो आप नागपुर जाए तो नागपुर में तुलसी वहाँ है क्या है, वहाँ से आपको बहुत बड़ा वो मिलेगा। अच्छा, पूरा इतिहास पूरा ज्ञान तो वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पुस्तक बहुत बड़ा वो है वो, तो मतलब अभी जो भी दादाजी को उन्होंने देखे दादाजी भाई बता रहे हम लोग 70-72 साल की उम्र है जी, और 125 साल पुरानी घटना है बराबर, तो हमने जो परिवार से वो सुनी है वो बता रहे हैं जी, और ज्यादा निश्चित है दादाजी बहुत बड़ी चीज थी जी, और आज है बड़ी चीज नाम से काम हो रहा है, क्योंकि मतलब जैसे आप राम कृष्ण का नाम गांधी का नाम या आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी बड़ी बड़ी चीजें होंगी गई है जी, वैसे दादाजी बहुत बड़ी चीज थी, भोलेनाथ को अवतार पा रही, अब आप उनको भगवान समझे बराबर, अवधूत समझे संत समझे जो आपकी भाषा हो आप समझ सकते हैं बराबर।